कांवड़ यात्रा की तैयारी के बीच नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के बयान से घमासान मच गया है। दरअसल चंद्रशेखर ने कांवड़ यात्रा की तुलना सड़क पर नमाज से कर दी है। ऐसे में अब बीजेपी ने जबरदस्त हमला बोला है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कांवड़ यात्रा का जब निर्णय था बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि इससे पहले बैन था, कोई राज्य नहीं निकालने दे रहा था। हमने कहा भी क्या है, क्या बैठक हुई? उन्होंने कहा सब बैठक हो गई। अरे हमने कहा हुआ क्या, क्या तय हुआ? कहा सब कांवड़ यात्रा नहीं निकल पाएगा। तो मैंने कहा फिर हम लोग क्या यहाँ ताली बजाने के लिए आए हैं क्या? शासन में आए हैं तो शासन दमदार तरीके से चलेगा और उस दमदार तरीके से चलाना सिखाएंगे। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कांवड़ यात्रियों पर फूल बरसाने की तैयारी हो रही है। कांवड़ियों को परेशानी ना हो, इसीलिए सड़क किनारे मांस मदिरा की दुकानों पर शटर गिराने की बारी है। अब शिव भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। पहले दंगे होते थे, आज दंगा नहीं है। दंगों के कारण कर्फ्यू लगता था, आज कर्फ्यू नहीं है। आज तो कांवड़ यात्रा निकल रही शानदार तरीके से। लेकिन कांवड़ यात्रा की तैयारी के बीच विवादित बयान नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का आया है। चंद्रशेखर आजाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ईद की नमाज को लेकर अपनी बात कर रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद लोगों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये देश केवल एक धर्म को मानने वालों का थोड़ी है, यहाँ सभी धर्मों की आस्था का सम्मान होना चाहिए। भाई हिंदू धर्म की आस्था का है, देश सब की धर्मों की आस्था का सम्मान करता है। हिंदू धर्म की आस्था है 10 दिन कांवड़ चलता है, सारे होटल बंद होते हैं, अस्पताल बंद होते हैं। कई बार ऐसा होता है अस्पताल जाना होता है लेकिन उनका साथ जा नहीं सकते, कोई और को जाते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन चूंकि उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे और उनकी धर्म में कोई रिपोर्ट ना, तो लोग सहते हैं उसको, सहते नहीं सहते। लेकिन 20 मिनट अगर ईद वाले दिन नमाज हो रही है तो कह रहे होने नहीं देंगे। चंद्रशेखर आजाद के वायरल वीडियो में कांवड़ यात्रा और नमाज की तुलना है। वायरल वीडियो में उन्होंने कहा हिंदू धर्म में 10 दिन कांवड़ यात्रा चलती है, फिर सारे होटल और अस्पताल बंद हो जाते हैं, लेकिन हिंदुओं की आस्था को लेकर लोग सहते हैं। मगर ईद वाले दिन 20 मिनट के लिए नमाज होती है तो पहले तो वो ईद वाले दिन नमाज होने नहीं देंगे। अब नगीना सांसद के इस बयान पर सुब्रत पाठक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में महादेव को पूजने वाले काफी ज्यादा हैं, सड़क पर नमाज पढ़ने वालों से उनकी तुलना ना करें। पढ़ो ये भाई पढ़ो, आप मुझे बताओ ये सामूहिक होती है, ईदगाह पे होती है तो सब लोग इकट्ठा होते हैं, तो कह रहे नहीं करने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो क्यों? क्या देश एक ही धर्म का है? क्या दूसरे धर्म के लोगों की इज्जत नहीं है? क्या उनका सम्मान है, उनकी कोई इज्जत नहीं है? क्या उनका कोई आस्था नहीं है? तो सब नहीं जानते ये बात गलत है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, किसी को बुरी लगी, हिंदू धर्म के किसी व्यक्ति को बुरी लगी ये बात। अगर 20 मिनट उनकी नमाज के लिए व्यवस्था हो जाए, 20 मिनट को अगर व्यवस्था बदल जाए, किसी को बुरा लगेगा? और अगर कोई कहता हो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति कि भाई मैं इससे सहमत नहीं, तो वो भी अपने धर्म के साथ नहीं है। शायद उनको ये जानकारी नहीं है कि ये देश जो है बहुलता इस देश में महादेव को पूजने वाले लोगों की है, और कांवड़िया एक विशेष पर्व है जो साल में सिर्फ एक बार ही आता है। नमाज तो रोज पढ़ी जाती है, जुमे की नमाज हफ्ते में एक बार पढ़ी जाती है, तो नमाज से कोई कांवड़िया यात्रा की तुलना नहीं हो सकती। और यदि नमाज सड़क पर पढ़ने की आवश्यकता क्या है, अगर इतनी ही चिंता थी तो आप उनको सलाह दे सकते थे कि वो अपने घर में बैठकर नमाज पढ़ लें। यानी जिस तरह चंद्रशेखर आजाद ने कांवड़ यात्रा और खुले में नमाज की तुलना की, उस पर यूपी की सियासत एक बार फिर गरमा चुकी है, क्योंकि इन दिनों उत्तर प्रदेश में 22 जुलाई से शुरू हो रहे कांवड़ यात्रा की तैयारी चल रही है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का ये बयान नए विवाद को जन्म दे चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सांसद चंद्रशेखर के कांवड़ वाले बयान के बाद से सियासी बयानबाजी के अलावा धर्मगुरुओं और संतों के भी बयान आने लगे। मुस्लिम स्कॉलर समी आगाई और हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का भी बयान आया है कि अगर मात्र 20 मिनट के लिए कोई प्रायोजन किया जाता है उसको रोक देना, और कांवड़ यात्रा जो पूरे 10 दिन चलती है
और उसमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से काम करती हैं, तो मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा कदम है चंद्रशेखर जी का। तो सभी को एक समान, ये हमारी संविधान की व्यवस्था भी है कि सभी को एक समान जो है दृष्टि से देखना चाहिए। किसी एक वर्ग या किसी एक समुदाय को ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा है। नए जीते हुए सांसद चंद्रशेखर रावण जी का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। जीतने के बाद उनको जनता के लिए कार्य और काम करना चाहिए, और जीतने के तत्काल बाद हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान उन्होंने शुरू कर दिया। ये दुखद है, निंदनीय है। हिंदू मुसलमान करके भेद पैदा मत करो, विकास की बात करो, अपवाद की बात मत करो, डेवलपमेंट की बात करो, विनाश की बात मत करो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कांवड़ यात्रा को लेकर बैठक करेंगे। लखनऊ में आज शाम 7 बजे सीएम आवास पर बैठक होगी। दरअसल 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, जो 2 अगस्त को सावन की शिवरात्रि पर संपन्न होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान व्यवस्था दुरुस्त बनाए रखने के लिए ये बैठक काफी अहम है, जिसमें सीएम योगी अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे। तो कांवड़ यात्रा को लेकर शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक आज है। शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक है, कांवड़ यात्रा को लेकर यह बड़ी बैठक है।